विशेष चंद्रू बहन जी आपका जी स्वागत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हम सैन फ्रांसिस्को से हैं। हमारा नाम जी वैशाली है, हम सैन फ्रांसिस्को सेंटर से हैं, अनुभूति रिट्रीट सेंटर। और सैन फ्रांसिस्को सेंटर में बहुत अच्छी बाबा की सेवाएं चल रही हैं, और विशेष अव्यक्त मास में अगर बाबा के सभी बच्चों को अच्छे से अच्छी पालना का अनुभव करा सकते हैं तो आप जैसे दीदी जी करा सकते हैं। और विशेष इसलिए हमने, और बाबा के काफी बच्चे हैं जिनके लिए ये पहली दीदी 18 जनवरी है, तो दीदी को ओके हम दीदी को वेव करेंगे। दीदी आप सभी को देख पा रहे हैं, सभी जी, स्टूडेंट्स को देख पा रहे हैं, तो देख पा रही हूँ। किसकी पहली 18 जनवरी है बाबा के घर में, किसकी पहली बार 18 जनवरी है, दीदी को वेव करके दिखाऊं। तो दीदी देखिए, इतने सारे बाबा हाँ के बच्चे जो है पहली बार आपसे डायरेक्ट अव्यक्त बाप दादा की पालना का अनुभव सुनेंगे। और आज हम जब भी वही अच्छे अच्छे बाबा के गीत बजाते हैं, नई नई अच्छी अच्छी उनकी पुरानी मेमोरीज भी देखते हैं, तो आज भी जब एक गीत बजा रही थी तो मैंने आपको उस फोटो में भी मैंने आपको देखा। बहुत रेयर फोटो था, बहुत फेमस नहीं था, लेकिन वहां पर भी आप स्पॉट हो गए थे जब आप बाबा और प्रकाशमणि दादी जी साथ में भोजन कर रहे थे, वो एक फोटो था। तो जब वो देखा तो मैंने सुनीला बहन जी से रिक्वेस्ट किया कि हम जरूर आज दीदी के बाबा के साथ की ढेर सारी मेमोरीज को हमारे आंचल में भर कर जाना चाहते हैं। बहुत आपसे आपकी यादों का, आपके आपके ज्ञान के खजाने का जो है हम आनंद लूटना चाहते हैं आज के दिन। तो सुबह से दीदी सब भट्टी में बैठे हैं, आपके लिए विशेष स्टूडेंट्स में जो सभी स्टूडेंट्स जो बैठे हैं सुबह से भट्टी में बैठे हैं और जी साइलेंस में बैठे हैं। विशेष चार धाम की यात्रा, जैसे विष्णु बहन जी ने बताया कि हमने भी यहाँ पर, हम तो वर्चुअली कर सकते हैं, फिजिकली तो नहीं कर सकते हैं, तो हमने भी चार धाम की यात्रा की सुबह। और बाबा के सभी बच्चे अभी शांत संध्या की वेला में आपसे ज्ञान का मनन चिंतन करके अपनी शाम को जो है वो सफल करेंगे। तो विशेष हम थोड़ा सा नलिनी दीदी जी का आपको परिचय दे दें। नलिनी दीदी जो है वो अपनी बहुत ही छोटी आयु, 14 वर्ष की आयु से बाबा के साथ बाबा के यज्ञ में जुड़ गई हैं, और 16 वर्ष की आयु से ही उन्होंने अपना जीवन जो है इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित किया है। बाबा कई बार मुरलियों में भी नलिनी दीदी जी को याद करते हैं, तो इतना सौभाग्य है कि भगवान जिसे याद करे वो आज हमारे साथ है, तो वो हमारा भी कितना सौभाग्य है। और आप संस्थापक साकार ब्रह्मा की डायरेक्ट पालना लेने के चुनिंदा लोगों में से हैं। दीदी जी ने 58 वर्षों में मुंबई में रहते हुए घाटकों पर सब जोन की सेवाएं संभालते हुए भारत तथा विभिन्न देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रवक्ता के रूप में इंटरनेशनल स्तर में बहुत बड़ा नेतृत्व किया है। और दीदी ने लाखों करोड़ों आत्माओं को जीवन की प्रकाश बना के उनके अंदर जीवन की नई चेतना लाई है। दीदी जो है वो इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं, वो टीचर्स ट्रेनिंग में, जैसे हमने भी टीचर्स ट्रेनिंग में दीदी जी के क्लासेस किए हैं, तो दीदी जी जो है वो टीचर्स की टीचर्स हैं, तो वो टीचर्स की भी टीचर है, तो वो टीचर स्क्वायर है। तो आप सोचो कि टीचर की टीचर होगी तो आपको कितना अच्छा स्टूडेंट होके बैठना चाहिए, है ना? इसीलिए कहा कि दीदी जी आ रही है अच्छे स्टूडेंट होकर, एग्जाम्पल बनकर, बाबा के एग्जाम्पल बच्चे बनकर हमें बैठना है ना? तो वो भी हमें दिखाना कि हम भी बाबा के सपूत बच्चे हैं। तो ऐसे हमारे दीदी जी, और दीदी जी ने मीडिया की भी बहुत सेवाएं की हैं। दीदी जी आपको एक बता दे कि हमारे साथ एक बहन है जो आपसे बहुत ही डायरेक्टली ही बात करना चाहती है। वो कहती है कि जब मैंने कोर्स भी नहीं किया था ना, तब भी मैं नलिनी दीदी की मुरली का सार और जो आप रोज जो पोस्ट करते हैं ना यूट्यूब पे, तो वो तब से वो सुनती आ रही है। जी तो इतना, मतलब ओके आपको ना जानते हुए भी काफी आत्मा में लोग, आत्माएं आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पालनाएं ले रहे हैं। तो हम सभी
सैन फ्रांसिस्को जी और वेस्ट कोस्ट की आत्माएं आपका स्वागत करती हैं। हम दीदी को रूहानी वेव से ओके दीदी का स्वागत करते हैं। हाँ दीदी जी, चंद्रुबेन कहाँ पर है? हेलो, चंद्रु बहन है ना हमारे साथ जुड़े। हाँ दीदी जी, चंद्रु बहन हमारे साथ जुड़ेंगी थोड़े समय के बाद, आएंगी थोड़े समय के बाद। ओके। क्योंकि सैन फ्रांसिस्को सुनते हैं तो तुरंत चंद्रुबेन की याद आती है, क्योंकि हाँ 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 उनकी भी लौकिक में जो मासी थी, माँ थी, वो साकार बाबा मम के समय ही ज्ञान चलते, इसीलिए हमारी चंद बहन के अंदर भी बहुत सारे साकार बाबा की यादों के वाइब्रेशंस भरे हुए हैं। और एक बहुत ही महावीर कहूँ, महारथी कहूँ, एक महाशिव शक्ति कहूँ, हमारी चंद बहन के अंदर बचपन से ही वो लक्षण होते थे। तो चलो बहन से बाद में मिलेंगे। अच्छा, अभी तो मैं आप सभी को मीठे मीठे साकार बाकी वो बातें सुनाना चाहूंगी, जिससे आपको ये परिचय हो कि हमारे पिता, अलौकिक पिता, जगत पिता, आदि पिता, आदि देव कौन थे और कैसे थे। हर बच्चे को जानने का हक है, अधिकार है। और हर एक बच्चा जो ब्राह्मण बच्चा बनता है, उनको ये अवश्य ही दिल होती है कि हम अपने पिता के बारे में विशेष जानकारी को प्राप्त करें। तो ब्रह्मा बाबा के जन्म और उनकी कुछ शुरुआत की हिस्ट्री है, अगर आप सभी जानते हैं तब तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं पहली बार आपके बीच में पहुंची हूँ, तो मुझे ये पता नहीं कि आप कितने समय से ज्ञान में चलने वाले बच्चे हैं और आप लोगों को ब्रह्मा बाबा के विषय में कितनी बातों का पता है। परंतु इतना तो जरूर पता होगा कि सन 1937 से शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का रथ लिया और उनके द्वारा ये अपना का कार्य शुरू किया। आप सोचिए, मैं इस ज्ञान मार्ग में पिछले 65 ईयर्स से चल रही हूँ। बहुत छोटी आयु में आई मैं, और तभी मुझे इतनी कोई, मैं मैच्योर नहीं थी, परंतु मीठे मीठे शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से मुझे मिलाकर और धीरे धीरे मेरे में मैच्योरिटी लाते गए। मैच्योरिटी दुनियावी नहीं, परंतु एक ऐसी आध्यात्मिक मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी ने मुझे प्रभु के समीप लाया। प्रजापिता ब्रह्मा को मैंने ऑब्जर्व किया और उनको मैं समझती थी, तो वो मेरी उम्र के बाहर की बात थी, परंतु बाबा की वरदानी दृष्टि और वरदानों से मैंने ब्रह्मा बाबा को सर्व संबंध में पाया। तो मैं शॉर्ट में पहले बताती हूँ कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को मैं कैसे मिली। तो मेरे लौकिक में ग्रैंडफादर नहीं थे, ना दादा थे, ना मेरे नाना थे। मेरे जो लौकिक में दोनों ही दादा नाना बहुत ही नामी और ख्यात थे। विशेष मेरे जो नाना जी, माँ के पिता जी, वो राजगुरु थे, राज ज्योतिष थे, राजाएं हुआ करते थे।
इसीलिए उनका राज दरबार में बहुत सम्मान होता था। को लेने राज की तरफ से चांद की बगी, चार छड़ीदार ऐसे रोज आते थे और उनको बड़े स्पेक्ट के साथ राजमहल लेके जाते थे, राज दरबार। तो लौकिक माँ के अंदर यदि मैं ये कह दूं कि सारे रॉयल फैमिली के जो संस्कार होते हैं वो संस्कार के अंदर थे, तो स्वाभाविक है कि हम बच्चों के अंदर भी उन्होंने वही संस्कार डाले। और हम उनसे काफी बातें राजाई घराने की, राजमहल की, राजकुमारियों की आदि आदि सुनते रहते थे। परंतु ये हमें पता था कि मैं भी कुछ समय विश्व राज थी, नहीं, राजकुमारी नहीं, राजकुमारी। अब ये बाबा उनको टेम्पटेशन ऐसे ही नहीं दी कि भाई हमको राजकुमारी बोला और हम आगे बढ़ाया, नहीं। मैं तो प्यास थी मेरे दादा को देखने और मेरे नाक को देखने के लिए। तो मेरी आंखें सब जो भी बुजुर्ग होते हैं उनको ढूंढ, उन मेरे दादा और नाना को ढूंढती रहती थी। अब वो मेरी प्यास कैसे बुझे, तो मैं लौकिक माँ के साथ वो ज्ञान में जब ली, तो उनके साथ जब मैं माउंट आबू राजस्थान में जो स्थित अपना मुख्यालय है, जब वहां गई तो वहां मैंने अपने बाबा के अंदर जैसे मुझे नाना मिले मुझे मेरे दादा मिले, इतनी मैंने गहरी प्यास रखी थी उतनी ही गहरी से बाबा ने मेरे दादा और नाना के संबंध से जो प्यार दिया, जो रिस्पेक्ट भी दिया। हालांकि मैं बहुत छोटी थी परंतु फिर भी बाबा ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया और मुझे गले लगाया और मैं जो फूट फूट करके रोई बाबा को गले लगकर, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे, आपने मुझे जल्दी क्यों नहीं बुलाया, ऐसे बाबा को मैं छाती पर सीने पर ऐसे ऐसे मारती गई और बोलती भी गई और रोती भी गई और खूब रोया मैं, जी भर के बाबा गोद में मैंने रोया। बाबा मुझे शांत करते रहे, बोला देखो मीठी बच्ची तुझे बुला लाना, तू आ गई ना मीठी बच्ची, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, देखो तू कहाँ पर पहुंची है। तो मैं कुछ समय के बाद जब शांत हुई तो बाबा को देख के मैं हैरान हो गई। आप लोगों ने तो साकार बाबा के रूप को नहीं देखा प्रैक्टिकल, परंतु उनके फोटोग्राफ में आप उनको देख कर कल्पना से अपना एक रूप देख रहे हो। परंतु मैंने साकार बाबा को प्रैक्टिकल में देखा। अब हम तो छोटी बच्ची थी, तो मैं छोटी बच्ची होने के कारण स्वाभाविक है कि मैं कोई गुणों से विशेषताओं से उनको देखूं, ऐसी तो मेरी उम्र नहीं थी। तो मैंने बाबा के बाहरी स्वरूप को ही देखा। तो मैंने क्या देखा जिसे इतनी वो हो गई, एक तो बाबा ने मुझे गले लगाकर जो प्यार दिया, जो मीठे वचन कहे और वो मेरी आत्मा को उनके बोल से, उनके प्यार से, उनकी उष्मा से जो मुझे अंदर में एक शांति मिली, एक प्यास बुझी, तो वो मेरे जहन में जैसे बैठ गई। और बाबा को देखा, देखो आप देख रहे हो कि मैं बहुत छोटी उम्र में पर्स लेके, शर्ट ब्लाउज लेके बाबा के पास खड़ी हूँ और बाबा के इस बाजू मेरी लौकिक माँ की है, मम्मा है, मेरे भाई बहन भी है,
और हमारी टीचर ये। तो इस प्रकार मैं जब बाबा के पास पहुंची तो मैं स्कूल में पढ़ाई करती थी, जो फोटो भी आप देख रहे हो सफेद यूनिफॉर्म के अंदर लाल पट्टा पहने हुए, तो ये मेरा फोटोग्राफ है। तो मैं बाबा को मिली, देखा इन आंखों से, तो बाबा एक तो 6 फुट लंबे, दूसरा इतने बाबा गोरे कि पूछो, और गोरे तो भले थे लेकिन चेहरे पर वो बूढ़ेपन की कोई झलक नहीं समझ में इतनी आती थी, परंतु फिर भी बाबा बहुत बुजुर्ग ही पड़े क्योंकि मुझे दादा नाना चाहिए था। फिर बाबा को जब मैंने बोले देखा, बस मैं क्या कहूँ आपको, मैं तो वार ही गई, क्योंकि बाबा तो बोलते ही नहीं थे, बाबा के तन द्वारा शिव बाबा बोलते थे और वो मुझ आत्मा को जैसे कि राहत पहुंचा रहे थे, रूह को राहत मिल रही थी, क्योंकि परम पिता परमात्मा से हम पिछले 5,000 वर्ष के बाद मिले और हम बिछड़ गए थे इतने वर्ष हो गए, तो कितना अंदर आत्मा तड़पती रही, एक तो अपने प्यारे पिता प्रभु के लिए और दूसरा इस जन्म में मेरी जो अपनी प्यास थी वो मुझे पाना था, तो डबल प्यास मेरे पास, एक गहरी प्यास कई जन्मों की और एक प्यास इस जन्म की, दोनों प्यास मिलकर के। और मेरे बाबा को जब मैं गले लगी तो मेरी वो प्यास जैसे बुझने लगी। अब कैसे बाबा धीरे धीरे देखो मुझे उस दाना का अनुभव कराते हैं, वो मैं आपको बातें सुनाती हूँ, क्योंकि मुझे गागर में सागर को समाकर और आपके आगे मुझे वो गागर सागर रूप में रखने, ताकि आप सागर पिता परमात्मा को और उस जिस तन में आए उस तन को आप प्रजा पिता आदि पिता आदि देव के रूप में उसको जान सकूं। तो मैं पहली बार मधुबन गई बहुत थी, और वैसे मैं थोड़ी मिली नेर थी, इतना बोलने थी, पर तो अपने फ्रेंड सर्कल में मैं बोलने में बहुत चुली। तो बाबा को जब मैंने देखा मुझे कोई शर्म संकोच उम्र कोई मेरे नहीं आई, मैं बाबा से ऐसे मिली जैसे मैं तो भी हुई हूँ और बहुत बार मिली हूँ और मिलती रही हूँ, तो इसीलिए मैं बाबा को बाबा के पास जब पर्सनल मिलने जाती थी, चाहे बाबा कमरे में हो चाहे बाबा आंगन में खटिया पर लेटे हुए हो या कभी बैठे हुए हो, तो मैं बाबा के पास पहुंच जाती थी और बाबा से बातें करना शुरू कर देती थी, और सामने से मैं बाबा को अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में, अपने लौकिक परिवार के सदस्यों के स्वभाव के विषय बोलना शुरू कर देती कि बाबा मेरी माँ ऐसी है, मेरे पिता ऐसे हैं, मेरा भाई है, मेरी बहन ऐसी, हर बात उनको मैं बताने लगी। यहाँ तक मैंने बताई बातें कि मेरे मन में कौन से नेगेटिव थॉट्स चलते हैं और कौन से पॉजिटिव थॉट्स चलते हैं, ये मैं नेगेटिव पॉजिटिव अभी बोलती हूँ, परंतु तभी तो मेरे अंदर जो भी चलते थे विचार, अच्छे हो या बुरे हो, मैं ये नहीं सोचती थी कि मैं ये बात बताऊंगी तो मेरी इम्प्रेशन बाबा के ऊपर क्या पड़ी, बाबा मेरे ये क्या सोचेंगे।
अक्सर लोग बात करने के पहले ये बातें सोचते हैं, परंतु मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा सोची थी। बस मुझे एक ही बात बुद्ध में थी कि ये मेरा दादा है, ये मेरा नाना, जिसको मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया। तो मैं हाथ बताने लगी, तो बड़े बताते बताते मैं अपनी पढ़ाई, स्कूल के अंदर गीत गाना, गीत बनाना, फिर डांस करना, नृत्य करना, सब ते मुझे शौक, क्या 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 ना अच्छा लगता है, ना अच्छा लगता है, हर बार मैं बाबा को सुनाने लगी। तो बाबा ने कहा, अच्छा तुझे डांस भी आती है? मैंने कहा जी बाबा। तो मैं बाबा का, ठीक है तुम डांस बाबा को दिखाना। फिर मैंने बाबा को डांस भी दिखाई करके, और वो आज भी याद है जब मैंने पहली डांस बाबा के आगे किया, तो वो डांस डांस के गीत के बोल थे, तेरे द्वार खड़ा भगवान भत भर दे दे झोली। मैं आपको एक लाइन गा के सुनाती हूँ ताकि आपको ख्याल, ऐसे गला बैठा हुआ है पर फिर भी मैं सुनाऊं। तेरे द्वार खड़ा भगवान हो, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे दे जोड़ी, हो भगत भर दे दे जोली। जिन्होंने भागवत महाभारत शास्त्र पढ़े होंगे उनको पता है राजा बल के पास प्रभु भीख मांगने गए थे वन अवतार, तभी उन्होंने उसे भीखा में उनके तीन पैर बा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तीन पैर पृथ्वी के चाहिए। तो वो बल बहुत दानवीर था, कभी किसी को ना नहीं करता था, तो उसने तुरंत हाँ कर दी और तीन पैर के अंदर प्रभु ने तीनों ही दुनिया को अपना बना लिया। तो बाबा कई बार हम बच्चों को भी कहते हैं, तुम वही ब्राह्मण बच्चे हो, तुम सिर्फ तीन पैर पृथ्वी के लेकर के बाबा का यह विश्वविद्यालय खोलो, बाबा के बच्चों को आमंत्रित कर बाबा का उनको परिचय। तो ये बात बाबा हमको सुनाने लगे। फिर बाबा कहती, बाबा गीत भी गा लूं? तो बाबा कहते, अच्छा जी गीत सुनाओ। फिर गीत भी मैंने सुनाया, यह फिल तारों की रात, ये बहारों की छेड़े तू तराना कोई प्यारा। तो बाने गीत भी सुना, परंतु बाबा को मैंने देखा कि मैं तो छोटी थी, फिर भी बाबा इतना रिस्पेक्टफुल से बात करते। बाबा ने कभी मुझे छोटी बच्ची समझ के मुझे वहां से कभी ये नहीं कहा कि बच्ची अभी नहीं, तुम बाद में आ, बाद में सुनेंगे, बाबा अभी ये कर रहे हैं, बाबा वो कर रहे हैं, तुम बाद में आना। नहीं, जब भी देखो बा जैसे बाहें फैला के अपना बना के और हमको बुलाते थे। तो बाबा के अंदर कोई छोटे बड़े का है नहीं देखा, हाँ लेकिन ये जरूर देखा कि बाबा बच्चों के साथ बच्चों से होते थे, उनके साथ संबंध जुटाना होता है वही संबंध से बाबा उन बच्चों को बुलाकर बातें करते थे और उनको आगे बढ़ने की प्रेरणाएं देते थे। युवा होते तो युवा के साथ युवा जैसी बातें करते, और जो हम शरीक आते थे बाबा के, उनके साथ बाबा वैसी बात करते थे। कोई भेद बाबा के आगे नहीं देखा, न सिर्फ उम्र का भेद, लेकिन मैंने देखा
कि बाबा भी गरीब शाहूकार का भी भेद नहीं करते थे। नजरों के आगे मैंने कई गरीबों को बाबा के पास आते देखा, बीते देखा, पहले लगे देखा, और शाहूकारों को भी मैंने वहां देखा, उनको भी मिलते देखा, गले लगते देखा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं छोटी बच्ची थी इसलिए मेरे अंदर तो वैसे इनोसेंसी थी जैसे छोटे बच्चों के अंदर होती है, परंतु फिर भी कुछ बातें ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए। तो बाबा को एक बार कोई ऐसी व्यक्ति गले लगी जो साधारण थी, और उसके कपड़े भी इतने ऊंचे पहने हुए नहीं थे, और उससे जैसे मुझे खुशबू नहीं आती, इसलिए कि मैं तो सदा परफ्यूम लाके रहती थी, तो इसीलिए मुझे कभी ऐसी खुशबू की आदत भी नहीं थी। तो मैं जब बाबा के पास बैठी थी तो मैंने देखा कि वो व्यक्ति में से खुशबू कुछ अलग आती है, जैसे उनके कपड़ों की या पसीने की, परंतु बाबा उसको इतना प्यार से गल लगे, उसको मिले, उसको गोद में लेकर तो मीठी मीठी शिक्षाएं भी दी। तो मेरे को बहुत विचार चलने लगे, शंका चलने लगी कि बाबा सभी ऐसे कैसे गले लग लेता है, बाबा को क्यों वो नहीं लगता है। तो जब वो चले गए तो मैंने बाबा पूछा, मैंने कहा बाबा ये भाई जो आया मिलने या वो फलानी बन जब आपको मिल रही थी तो उनको आप कैसे मिलते हो। वसी ने कि मुझे तो बहुत अंदर से बू आ रही थी। तो बाबा ने कहा अरे बच्ची क्या बोल तूने, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गल कर दी। बाबा ने कहा नहीं बच्ची ऐसा नहीं बोलते, देखो ये तो मेरे पिछड़े हुए 5,000 वर्ष के बाद मिले हुए मेरे सिकड़े बच्चे हैं। जैसे बाबा को कोई बात लग गई कि मेरे बच्चे लिए कोई गलत बात कह दी मैंने। बोला अच्छी बाबा तो सबका बाबा है, बाबा के पास गरीब शाहूकार पढ़ा लिखा अनपढ़ ये भेद बाबा के पास नहीं है बेटा, और तुमको भी ये बात सब ध्यान में रखनी है, कोई गरीब नहीं कोई शाहूकार नहीं, निर्भेदों की सेवा करनी होगी आगे। बस तब से बात समझ में आ गई कि हमको कभी भी इन बातों का भेद नहीं करना है, परंतु हमें उस आत्मा देखना है। वैसे हमको आत्मा का ही पाठ पक्का कराया जाता है। अभी भी मैं आत्माओं से बात कर रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ और आप आत्माएं मुझे कान से सुन रही हो। तो ये विदेही स्थिति आज हमको बनाने को बाबा कह रहे हैं। बाबा को एक तो निर्भेद देखा, बच्चों के साथ बच्चे तो बड़े मिलनसार, बड़ों से बड़े तो बाबा ये स्वभाव देखा। फिर मैं बाबा के पास बहुत बार बैठी थी, कई बातें ऐसी भी हुआ करती थी जो हम हो गए गुस्सा आ जावे और हम गुस्से में कुछ कह भी देवे, परंतु मैंने बाबा को कभी भी कोई गुस्सा करते नहीं देखा, ना गुस्से में कोई बोल बोल देखा, ना चेहरे पर वो रेखा देखी। अगर देखा तो मैंने क्या देखा, बाबा उस बच्चे को भी पुचकार देके, कोई अर्जा नहीं बच्चे ड्रामा था हो गया, चिंता नहीं करो अभी आगे से ध्यान रखना, आगे से फिर ऐसा न हो। ऐसे उसको मीठी मधुर ड्रामा की पॉइंट्स सुनाकर और बाबा उसको जैसे शांत कर देते थे। अब ये हम भी पार्टी में चलने वाले
कुछ भाई बहने जो दिख रहे हैं, मैं साड़ी पहनकर बाबा के पास हूँ। ये मैं पहली पार्टी लेकर के मधुबन में गई थी और तभी मेरे साथ शायद इस विश्वविद्यालय में पहले सबसे बड़ा ग्रुप करीबन 60-70 का ग्रुप लेकर के मैं बाबा के पास थी। बाबा के इस बाजू मैं खड़ी हूँ, मेरे बाजू में ब्रिजेंद्रा दादी जो कि बाबा की लौकिक में बेटे की पत्नी यानी बाबा की बहू है और बाबा ने इनके माथे पर हाथ रखा है, वो मेरे लौकिक पिताजी जिनको काकू भाई के नाम से याद करते हैं। तो हम लोग मधुबन में गए थे तो बाबा को कभी मैंने उस रूप में नहीं देखा। हम लोगों की नेचर में क्या होता है, अक्सर कोई हमारी दिल की बात नहीं करता या हम जो उनसे सुनना चाहते वो नहीं सुनते या वो हमारी आज्ञा को नहीं मानते, हमारा कहना नहीं मानते या कोई गलती कर देते, काम बिगाड़ देते तो हम लोग थोड़ा नाराज होकर के गुस्से में आकर के दो बातें बोलते हैं और कोई कोई को तो इतनी आदत होती है बहुत कुछ बड़ा भी देते हैं। लेकिन बाबा को मैंने कभी ऐसे नहीं देखा, सदैव शांत शांति दूत। और ये शांति कहाँ आती है, जब अंदर में आत्मा शांत स्वरूप के स्वर्म में स्थित रहती है के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। बार बार हमें जब जब हम मूड आउट हो, जब जब हम डिस्टर्ब हो, जब जब हम कोई गुस्सा दिलावे नाराज करे, तभी तभी हम अपने मन को वो गुस्सा हमारा बाहर निकले उसके पहले हम स्वयं को इतना समझाएं कि वो शांत हो जाए। और बाबा ने हमको ऐसा खजाना दिया है कि हम उस समय अपने को समझने के लिए बाकी खजाने से वो पॉइंट डालकर स्वयं को समझाकर शांत कर सकते हैं। तो जब अंदर से शांत है तभी हमारे चेहरे पर शांति आती है, तभी हमारे मुख से शांति के बोल निकलते हैं। जैसे बचपन में माता पिता हमको कितना सीखते, माता पिता के उपकार का बदला हम कभी नहीं चुका सकते, कितनी हमारे अंदर चारित्र की ऊंचाई वे भरना चाहते हैं और भरते भी हैं। फिर अगर हमारे वो नहीं आती तो ये हमारी कमी है, माता पिता की कमी नहीं होती। माता पिता सदैव हमारे ये शुभ चिंतक होते। तो बाबा के अंदर भी मैंने देखा सारे विश्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना, जैसे अपने बच्चों के प्रति माता पिता होती है। मैं ज्ञान में आई तब तो इतने सेवा केंद्र नहीं खुले थे, मुश्किल से 8-10 स्थान खुले हुए थे। तो वो बाबा जब मुरली चलाते थे तो मधुबन में कोई इतनी भारी संख्या नहीं होती थी। अभी वर्तमान तो कोरोना के कारण लॉकडाउन चल रहा है, परंतु बाबा जब गुलजार आदि के तन में आते हैं और मंगल मिन बाबा मिन के दिन है तो हॉल अंदर 25-30 हजार लोग एक ही हॉल के अंदर बैठे हुए होते हैं और बाबा उन बच्चों के प्रति अपनी ज्ञान मुरली गुलजार दादी तन द्वारा सुनाते हैं। परंतु तभी इतनी संख्या हो के कारण सभा जो वहां के रहने वाले 10-15 और बाहर से आने वाले 8-10 इतनी संख्या होती थी, परंतु पार्टी लेकर तो संख्या बढ़ जाती थी। तो मैंने ऐसे समय
क्लास में मैं हूँ, जब ही संख्या अल्प थी, बहुत कम संख्या में बाबा के सामने बैठे हुए बैठे थे, परंतु बाबा ऐसे मुरली सुनाते थे जैसे पूरे विश्व के बच्चे उनकी यह बात सुन रहे हैं। और बाबा सारे विश्व के बच्चों को अपनी बात सुना रहे हैं। और यही शिक्षा बाबा हम बच्चों को भी देते। बाबा थे, तुम्हारी बेहद की वृद्धि हो, बेहद की दृष्टि हो और बेहद की वाणी हो, क्योंकि तुम सारे विश्व के विश्व रक्षक हो, सारे विश्व के लिए तुम शांति दूत हो, सारे विश्व को तुम्हें बाप का संदेश पहुंचाना है, सारे विश्व की आत्माओं को उनके पिता परमात्मा का परिचय देना है। अब मैं फिर से आती हूँ दादा और पोत्री के संबंध की बात में, क्योंकि आपको पता चले बाबा कैसे दादा बन के मेरा दिल जीता। बाबा को बनना नहीं पड़ा, बाबा का ओरिजिनल ये स्वभाव था। मैं जब मधुबन में गई, मैं गुजराती फैमिली से हूँ, तो गुजराती फैमिली से होने कारण एक तो गुजराती रोटियां फूल के बनते हैं, तो बड़े पतले होते हैं और बलून की तरह फूले हुए होते हैं। दूसरा, हम जो खाते हैं चावल आदि, तो उसको बहुत अच्छी तरह गते हैं और गले हुए चावल हम लोग थे। तो मैं जब भोजन पर बैठी, तो मैं जब भोजन किया, एक तो रोटी उनके पास सिंधी रोटी थी, जो बहुत मोटी रोटी हुआ करती है, जैसे पंजाबी परोठे होते हैं, ऐसे वो रोटी भी परोठे की तरह थी। तो मैंने किया, कॉर्नर मुझे जो डग वाली नहीं दिखाई पड़ती थी, वो मैंने कॉर्नर सा काट के निकाल के बीच का जो हिस्सा होता था वो मैं खा लिया। और ऐसे मैंने अपना भोजन लिया। तो मैं जाके बाबू को याद कर दी। फिर मैंने चावल भी ऐसे ही थोड़ा गला हुआ था, परंतु छुटक छुटक था, मुझे थोड़ा से मिक्स हुआ चावल गला हुआ, तो मैं वो भी चावल खा तो लिया मैंने, लेकिन मैंने बाबा को एक दिन रोटी की याद की, एक दिन मैंने चावल की याद की। याद सामने से नहीं की, पर बाबा ने मेरे को पूछा, क्योंकि मैं भोजन करके सीधा बाबा के कमरे में गई। तो बाबा के कमरे में गई, बाबा ने कहा, भाई भोजन किया? मैंने कहा हाँ बाबा किया मैंने। अब मुझे कोई ये सुनाने की जरूरत नहीं थी, जब तक मुझे बा सामने से न पूछे। मैंने अपने आप बाबा को बोल के सुनाना शुरू किया। मैंने कहा बाबा भोजन तो किया, परंतु क्या हुआ पाए बाबा? बाबा ने कहा अच्छा बताओ। बाबा ने कहा अच्छा बताओ क्या बताती हो? तो मैंने बाबा रोटी जो है ना, हम गुजराती लोग ऐसी नहीं खाते मोटी मोटी, हम लोग पतली रोटी और ऐसे फूली हुई रोटी खाते हैं। तो बहुत मोटी रोटी थी, तो मैं कॉर्नर निकाल दी, मैं बीच की रोटाई। दूसरे दिन चावल की बात भी बताई कि बाबा चावल है ना, मुझे कैसे लगे? तो बस दोनों ही दिन कभी किचन नहीं जाने वाला बाबा किचन में गया। वहां जाकर पकाने वालों को कहा कि देखो गुजराती फैमिली आई है, आप लोग गुजराती फुलके बनाओ और चावल भी जो है वो उनके हिस्से बनाओ, फिर जैसा वो खाते हैं वैसा को भोजन।
परंतु किचन के अंदर थोड़ी कानाफूसी हो गई। नहीं, घर में भी गुप्त बात खुल जाती है तो एक दो के कान में पूछने लग जाते, किसने बताया, कौन गया बाबा के पास बताने, किसने फरियाद की। तो ये फरियादी को ढूंढने लगे। अब कोई ज्यादा लोग तो थे नहीं, मधुबन भी छोड़ी था, खाली पुराना पोकरान हाउस, बाकी तो पहाड़ियां, पेड़ पौधे ये सब। तो पूछना शुरू हुआ, सबको पूछ लिया। ड्रामा अनुसार मैं उस दिन ईश्वर रतन दा के साथ बाहर गई थी, आबू में बाने का, जाओ रघुनाथ मंदिर दे के आओ, नामे से करके आओ। मैं उनके साथ बाहर गई थी। अब जो मधुबन में थे सबको पूछ लिया उन्होंने, बाकी कौन बच गया। मैं तभी बाबा को बताया, बाबा सभी बोलते हैं, हमने कहा हमने नहीं कहा। तो कहा ठीक है, फिर बाबा भी कुछ बोले नहीं। फिर सभी ने, हमारी टीचर जो थी उसने हमारी माँ को बोला कि आपके बच्चों में से तो किसी ने सुनाया ना। तो माँ को मेरी याद नहीं आई, बोला नहीं बच्चों ने तो नहीं सुनाया आया होगा। अचानक लौकिक माँ को याद आया कि ये नलिनी ने जरूर सुना। ये भी बाबा के पास जाके बैठती है और बहुत बातें करती है और कुछ भी सुनती है, जो भी इसके में आता है वो बाबा के आगे बोल के आती है। तो कहा इसने ना सुना। तो जब मैं पहुंची तो मुझे अकेले में बिठा, मुझे पूछा तुमने भजन किया तो तुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छा लगता है लेकिन रोटी अच्छी लगी, मैं तो बाबा को बता दा, चावल भी मुझे नहीं अच्छे लगे, मैं बाबा को सुना के आई। बोला क्या सुनाया। फिर मैंने जो सुना वो सुना दिया। बोला देखो बच्ची ऐसा नहीं करना होता है, हमारी माँ ने बहुत प्रेम से मिठास से मुझे ये समझाया कि कभी कोई बात की फरियाद करनी है तो सीधा ऊपर नहीं देखा, पहले अपनी निमित्त टीचर को बताने का, फिर वो तुमको समझाएगी। सीधा पर बाबा के पास चली गई। मैंने कहा क्यों नहीं जाऊं, वो मेरा दादा है, मेरा नाना है, मैं तो उसको कुछ भी बता सकती हूँ, कभी भी जा सकती हूँ, कुछ भी कह सकती हूँ। तो फिर बताया कि देखो तुम्हारे बताने से क्या पता है, कंप्लेन हो गई किचन वालों की कि वो लोगों ने रोटियां ठीक नहीं पकाई। बोला नहीं का नहीं, रोटी उनके हिसाब से ठीक पकाई। तो बोला वो तुम बताया। मैंने कहा नहीं वो नहीं बताया। तो बोला फिर तो इसीलिए कभी भी कोई की कंप्लेन कभी करने की नहीं, तुझे नहीं अच्छा लगे पहले मन में समाओ, और समाता हो ऐसी निमित्त व्यक्ति को जो मैच्योर हो उनको ही सुनने का, सबको नहीं सुनाने का। मैंने कहा सब कहा, ये तो बाबा था ना। बोला हाँ बाबा बोले सुनाया, परंतु और कोई को मत सुनाना, कभी भी इसका अवगुण ऐसे सुना नहीं। तुझे अच्छा नहीं लगा अवगुण, तुझे किसी को नहीं सुनाने का, माना मेरी भाषा में सुना है। मैं ये पाठ सीख ली तब से लेके आज तक मैंने कभी भी अपने साथी की कोई कंप्लेन कभी नहीं की, चाहे टीचर है भाई बहने। अब ये पिक्चर आप देख रहे हो, मोटर में बा पहली बार घाटकों पर, नहीं पहली बार नहीं सॉरी, बाबा घाटकों पर सेवा केंद्र जब स्थापन किया तो उसका उद्घाटन करने आए। दूसरे पिक्चर में मेरे लौकिक पिता जो बाबा के समीप बैठे हैं, तो बाबा ने वो भोग लगा स्थापना का। और तीसरे चित्र में हमारी दादी ब्रिजेंद्रा जी जो कि अब एडवांस पार्टी में पूर्वज रूप में है, तो ब्रिजेंद्रा दादी हम उनके सेवा केंद्र पर जहाँ वो निमित्त थी सायन सेवा केंद्र,
तो हम वहां पर जन्मे, वहां उनकी पालना ली और उनसे ही हम बा की यह अमूल्य सौगात मिली। तो हम ये फोटोग्राफ दिखाया है, तो हमारे तीन पिता, एक लौकिक पिता, दूसरा अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा और तीसरा ब्रह्मा बाबा में शिव पिता। तो इन तीनों पिताओं ने मिलकर के घाटकों पर सेवा केंद्र प्लान किया, सेवा केंद्र खोला गया। हिस्ट्री तो मेरे पास इतनी सारी बातों, जैसे भागवत होता है ऐसे भागवत की तरह कहानियों कहानियां है, बहुत सारी कहानियां, हर बात के पीछे कहानी। तो फिर बाबा वहां उद्घाटन करनाए और आज मैं गर्व से और गौरव करते हुए, मैं नाज करते हुए ये बात सभी को बताती हूँ, क्योंकि मैं बताने हकदार हूँ, अधिकार हूँ। और वो बात ये है कि आज हमारे करीब 8,500 जितने सेवा केंद्र, सेवा केंद्र गीता पाठशालाएं आदि भी संख्या होते हुए भी सिर्फ एक, सिर्फ 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 एक घाटकों पर सेवा केंद्र ही है जो स्वयं परमपिता परमात्मा ने प्रापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमारे लौकिक पिता काकबाई जी के साथ उनकी गाड़ी में आकर के और फिर ये घाट पर सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। और अभी तो कोई सेवा केंद्र का उद्घाटन ऐसे साकार बाप दादा द्वारा हो भी नहीं है। तो आप सोचिए कितनी इस बात की मुझे खुशी होगी। और यही कारण है जो भी घाटकों पर सेवा केंद्र पर आते हैं उनको इतने वाइब्रेशंस बाबा के, शांति के, प्यार के मिलते हैं। बात मत पूछो, जो आता है इतना प्रसन्न होकर के जा है, कारण बाप दादा, हम नहीं लेकिन बाबा। आप फोटोग्राफ दिख रहे हैं, मम्मा जा रही है, बॉम्बे में रुकती थी, बीच बीच में आकर के, पीछे कुछ बीमारी के कारण भी माँ का मुंबई रुकना हुआ, तो मम्मा के आगे हमारी फैमिली से मेरी बहनें खड़ी हैं, ब्रिजरा दादी भी खड़ी है, फिर राइट में काकू भाई ने हाथ में माइक पकड़ा हुआ है और मम्मा मुरली सुना ही है, और नीचे के दो फोटोग्राफ मम्मा सभा में बैठी है, काकू भाई के खबे पर हाथ रखे हुए हैं, और ये तरफ मम्मा घाटों पर से केंद्र पर आई थी, तो उनको भोजन कराया गया, तो सभी मम्मा को प्यार से भोजन करा रहे। तो ये भी हमारे अहो सौभाग्य कि माँ जगदम्बा, माँ सरस्वती, सर्व शक्तियों की सेनानी महाशिव शक्ति, जिसको गुप्त रूप में हमने पाया, जिसने गुप्त रूप में आकर अनेक शक्तियों को जन्म दिया और आज भी उन शक्तियों की गुप्त रूप में सेनानी बनकर और उनकी पालना कर रही है, उनमें शक्तियां बढ़ रही है। और फिर मेरे लिए और गौरव और गर्व की बात बताती हूँ, मेरा अलौकिक जन्म मामा के द्वारा हुआ डायरेक्ट। वो मेरा एक का किताब है, मम्मा का किताब, जिसमें मेरी ये कहानी लिखी हुई है कि मैं कैसे ज्ञान में मम्मा के द्वारा आई। फिर उसके बाद मम्मा की मैंने पालना ली, बाबा की पालना ली, और बाबा के संग
खाया पिया, नाश्ता किया, भोजन किया, खेली और बाबा के संग झूले में झूली, गीत गाए, नृत्य किए, ऐसे मैंने बहुत सारी बातें ली। और आपको बताऊं एक सीक्रेट बात, मैं बाबा को जब थोड़ी बड़ी हुई, मैं रोज बाबा को फिर साजन और प्रीतम के रूप में, पता नहीं कैसे चले चलते मैं उस संबंध में आ गई, और मैं रोज लव लेटर लिखती थी बाबा को, और वो लेटर से फिर बाबा मुझे जवाब भी देते थे। बेटी बन के बहुत लेटर लिखे, सेवाधारी बन भी लेटर्स लिखे, और वो भी मैंने बाबा को लेटर्स लिखे। तो मेरे पास इतने सारे पत्र हैं जो मैं बड़े संभाल के जान से लगा के रखे। अभी उसके उसका एक कार्यक्रम सीरियल यादें के नाम से यूट्यूब पर आप देख सकेंगे, 3 एपिसोड, तीसरा एपिसोड 18 जनवरी पर रिलीज किया गया, तो आप उसे समझ पाओगे कि कई बातें आपको उससे भी मिली जो बाबा की विशेषताएं हैं। तो जो भी जीवन में पाया, जो भी गुण हैं, शक्तियां हैं, विशेषताएं हैं, वो सारी मम्मा और बाबा के कारण है। तो बाबा ने सब कुछ भरा, बाबा ने गुणों का खजाना दिया, शक्तियों का खजाना दिया, समय के खजाने को सिखाया, सभी से कैसे शरीर सभ्यता युक्त व्यवहार करना बाबा ने सिखाया, हिंसा ऐसे शुद्ध बनाना, दृष्टि कैसे राहत देने वाली बना, वाणी कैसी हो, कर्म कैसे हो, हर बात बाबा ने सिखाई। आज मेरा अस्तित्व है तो बाबा कारण, अगर मैं हूं तो बाबा के कारण, अगर बाबा नहीं तो नहीं। तो ये है मीठे मीठे बाबा के संग संग मेरे अनुभव। और ये चित्र आप देखते हो, इस चित्र के पश्चात ही मैंने हमारी साड़ी पहनना शुरू किया। शिवरात्रि पर बाबा कैलेंडर बनाना चाहते थे और सभी बच्चों को गिफ्ट देना चाहते थे, तो बाबा ने शिव बा से बात करके, और किस बच्ची को इस चित्र बिठाऊं, तो बाबा को मेरा नाम बताया गया, और बाबा ने मुझे उस चित्र बंदर की जगह पर, क्योंकि बंदर तो थे, तो मंदिर लेक बनाने बाबा ने मुझे चित्र में बिठाया, और ये शिक्षा दी, अगर मंदिर लायक ना है तो हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, और डू नो इविल, थिंक नो इविल। बाबा ने ये पाठ पक्के कराए। अब इसके पीछे भी बहुत सुंदर मेरी हिस्ट्री है, आप सुनेंगे तो हैरान होंगे। तो मेरा सदैव लक्ष्य रहा, मैं बा को याद करती हूँ पर मुझे बाबा याद करे। मैं तो बाबा का ध्यान करती हूँ पर बाबा मुझे ध्यान में लावे, बाबा मेरा ध्यान करे। सब मेरे को ये रहता था, मैं बा को तो बुलाती हूँ पर बाबा मुझे बुलावे, मुझे अपना व्यक्तित्व कैसा बनाना है, मुझे बाबा दिल पर कैसे बैठे, बाबा मेरे लिए सब करे। और बाबा ने किया, वंडर है ये कि बाबा ने मेरी हर आश पूरी की। मेरी कल्पना में जो बातें नहीं थी, मेरे स्वप्न में जो था, वो सब प्राप्तियां बाबा ने कराई। जैसे मुझ दिन में बाबा ने सचमुच तारे दिखाए। वंडरफुल मेरा मीठा मीठा बाबा, और प्यारा प्यारा बाबा, और मैं आपको क्या बताऊं। और आज मैं देखो, बिना एयर टिकट
बिना पासपोर्ट बिना वीजा के मैं कहाँ पहुंची हूँ? आप लोगों पास, चंद्रु बहन के पास, बाबा के सिख बच्चों के पास। अहमदना सह मुझे हो गया, प्रभु में निश्चय मुझे धीरे धीरे कैसे बढ़ता गया। मेरी बहुत सारी हिस्ट्री की बातें हैं। अच्छा, चित्र का बता दो। अभी लॉकडाउन में मेरी उम्र 80 वर्ष होने आई है, तो मैंने लॉकडाउन में और क्या करें, तो सब जगह पर क्लासेस भट्टी करने ये तो काम शुरू किया ही और होता रहा, लेकिन पेंटिंग शुरू किया और मैंने अपने हाथों से बाबा का ये चित्र बनाया, जो चित्र मैंने आपके आगे रखा। बहुत सारे चित्र बनाए मैंने, कृष्ण धन्यवाद। के चित्र बनाए, बाबा के, जानदादी, गुलजार दादी, रतनमिनी दादी, मैंने तो के चित्र भी बनाए। अभी आपको और अब बताओ। आपको सबको, आपका दिल, जिस दिल में आपने दिलाराम शिव बाबा और मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा को बिठाया है, तो ये दिल मैं आप सभी को अर्पण करती हूँ। पर निमित्त चंद्रु बहन है, इसीलिए चंद्रु बहन को देती हूँ। क्या करें, राधे जी को और स्वीकार आप सभी स्वीकार करें, ये आप सभी फूलों को एक गुलदस्त में लेकर के, मैंने अपने पास ये गुलदस्ता ऐसे लाया है कि ये सैन फ्रांसिस्को मेरा है, तो मैं अपने भाई बहनों को ये दे रही हूँ। छोटे बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं ना, तो आप लोग छोटे छोटे हो, तो आपके प्रति मेरा विशेष प्यार। दीदी, हमारे साथ चंद्रु बहन है, आपको हेलो करेंगे। जरूर। अरे चंद्रु बेन, केम छे, ओम शांति, जो तमाटे गुलदस्तो लावी, पछी हाट लावी, दिल लावी दी, पछी आजुओ फ्रूट्स लावी चू, वैरायटी फ्रूट्स भी खाजो, बधाने खाओ जो, सुकन्या बेन अने अनम्यूट करो, सुकन्या बेन अनम्यूट करो बहन को। अने भाई बहनों ने कवड़ा हुआ मैं, आ ड्राई फ्रूट्स, भाई बहनों ने मारी तरफ थी, आ ड्राई फ्रूट खवड़ाओ जो, कंकेटली सच्ची बात। केम पहुंचाड़ू, टोली हाँ, तमारी नी साथ, बदले ड्राई फ्रूट अने फ्रूट्स। तमारी साथे तो जो पूरा करते हैं ना, केटलो वो प्रेम छे आप तो लोग सुन रहे खबर हैं अज पड़ती जाए छे, एटले ए धीरे ना? चीजें धीरे सुनाई देता समझण पर पड़े छे, है। अने साथे ये जो साथे अभी एको आ हो रहा था पण वो कल्याण सुनाई थई देता जाए मुझे। छे, एटले वातो तो बधे सरखी जावे, पण जुओ केवू वातावरण થઈ જાય છે તે જોવાનું છે, તો એ આપણે બધાની સાથે વાતાવરણ સાથે કેવી રીતે दीदी વાત। कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन है तो हमें इसमें भी कितनी अच्छी बाबा की पालना मिल रही है। पालना मळी रही છે, તો दीदी એ પણ બધાએ સાચવવાનું કૃપા છે, કરો, તો એ સારું ચોક્કસ। કરો ને, હમકો બહુત કુછ સિખાયા हाँ ઓર હમકો બહુત પ્રાપ્તિયાં ભી કરાઈ। हाँ जो મેં તો વિશ્વ કે कितने देशों में, कितने बड़े बड़े शहरों में मैं घूम के आई। क्या है, अच्छा आपका तो कितना मान है, कितनी वो महिमा है, तो यह भी तो बाबा की कमाल है कि कितना वातावरण
बन रहा है, ये तो खरी बात है। और चंद्रु बहन चंद्रमा चंद्रमा समान हमारी शीतल चंदनी शांति देने वाली शांतिदायक आपके पास भी पहुंच गई है। जो केटली शांति मिली रही है यहाँ तो बाबा ने केटली महिमा जो या અને નલિની બેન હમારે સાથ અનુભૂતિ રિટ્રીટ સેન્ટર સે હેમા બહેનજી જુડે હૈ વો ભી આપકો ધન્યવાદ કે ફૂલ અર્પણ કરેંગે। ઓકે હેમા બહેન ઓમ શાંતિ લ્યુ હેમા હેલો ઓમા બહેન હેમા બહેન સુંદરતા ઓમ શાંતિ દીદી બાબા એ તમને કેટલી બધી શક્તિ આપી છે બાબાને દીદી આપકો કિતની ને સારી શક્તિ દી હૈ બ્લેસિંગ દી હૈ પાલનાઈ દી હૈ જબ આપને બોલા કે આપ કિતની ઉમર હૈ તો લગ નહીં રહા હૈ મેં તો કહુંગી 8 સાલ લગેગા કૈસે ભૂલ જાઓ ઝીરો કો ઝીરો બન ગયા મારા સાલી પીછે લગા દિયા વો ઝીરો કો હા ના મેં સમજતી હું આપકો દેખ કરકે જૈસે 8 સાલ કી બચ્ચે મેં કિતના ઉમંગ ઉત્સાહ હોતા બિલકુલ બિલકુલ વૈસે હી આપકે અંદર હૈ જી હા હા देखो बिल्कुल बिल्कुल बाबा ने जो दिया है और आपकी महानता ये है कि देखो देखो हम ये समझते हैं कि जो भी हमारे बड़े सीनियर्स हैं लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी क्या करती हैं लॉकडाउन है तो हम कहते हैं कि देखो और भी हमारे सीनियर्स बिजी हो गए हैं भगवान ये कहते हैं कोरोना पुरुषार्थ कोरोना कोरोना नहीं है कोरोना भगवान यही बोल रहा है ना लोग बोलते हैं ना दीदी कि हम बिल्कुल बिल्कुल तपस्या का टाइम नहीं मिला लेकिन तपस्या का टाइम मिला और हमारा वो भाग्य है कि आप जैसे महारथी जिन्होंने यज्ञ में जो फाउंडेशन डाला है तो आपसे मिलके सबको बहुत बहुत प्राप्ति होती है और उनका दिल दिल आपके लिए भी गीत गाता है बाबा के लिए भी गीत गाता है और अपने भाग्य के लिए भी गीत गाता है लगता है कि फिर भी हमारे पास टाइम है। So, दिल से आपको थैंक यू कहते हैं और ऐसे ही सबको फायदा देते रहना दीदी। नलिनी बहन आपने गीत जरूरत नहीं नलिनी बहन आपने गीत गाया ना कि जो आपने बाबा के लिए गाया था हम आपके लिए गाते हैं अभी न जाओ छोड़ के छोड़ के हमको आपने बाबा के सामने ये गीत गाया था हमको अच्छे से याद है अव्यक्त बाप दादा के सामने गाया था अव्यक्त बाप दादा के सामने हमने गीत गाया था साकार में भी बाबा के सामने अंताक्षरी खेलते थे अव्यक्त बाबा के सामने अंताक्षरी खेलते थे तो देखा है बाबा को पुराने गीत सुनाकर अपने दिल के भाव उनको बताते थे और मैं आपका मिल कौन छोड़ेगा बंदर वाला मिसाल तो मैं सबको सुनाती हूँ आपका मिसाल है बंदर वाला है ना कितना बड़े मेरे पास आपका ओरिजिनल फोटो है दीदी ढूंढना पड़ेगा ओरिजिनल फोटो है आप वाला बंदर वाला अच्छा हाँ क्या बात करती हो हाँ वो फोटो भेजना हाँ हाँ जरूर दीदी जरूर आप फोटो जी हमारे पास यहाँ कोई के पास भी वो पुराना नहीं है मैं समझती मेरे पास ओरिजिनल है मैं ढूंढती हूँ जरूर ढूंढूंगी तो मुझे पक्का। मिले तो जरूर भेज पक्का पक्का तो विश्वकर्मा ने अभी अनाउंसमेंट कर दिया बहन है ना एक वीडियो देखेंगे फ्रांसिस्को हम वीडियो देखेंगे पहले अभी देखो दिलीप ने ये मीनार का चित्र बनाया अभी हम चलेंगे अपनी राजधानी में हेलो सैन फ्रांसिस्को निवासी
सभी ओम शांति। नहीं दीदी अभी नहीं जाओ, मिलकर नहीं से मन बहुत प्रसन्न हो गया। ना नथी थई पूरो अजी पूरो नथी थयो बेसो। हां नहीं सु करे हां करसो તમે જુઓ ને કરો છો બેસાડી ને સાંભળો તમે જુઓ સાંભળો દીદી છે ને તમે સાંભળું છું સાંભળું છું હા આપ ક્યા કરો કે બેઠી છું બેઠી છું આપ હા બેસ તમે જાઓ નહીં ઓકે ના નથી ગતી તમે સિંતરો હું નથી દી ઓકે તો બે દીદી હે ના આપ કઈ આત્માએ ચાહતી હે કે આપ ઉનકો યોગ ભી કરે યોગ કી દ્રષ્ટિ દે ઓર યોગ કરવાએ और दूसरा दीदी आपको है ना हमारे साथ एक बार वादा करना है हमारे साथ अंताक्षरी खेलने आएंगे घाटकोपर वर्सेस सैन फ्रांसिस्को ठीक है चलेगा चलेगा मुझे डाउट लगता है कि हम लोग जीत पाएंगे लेकिन ट्राई तो करने में कोई हर्जा नहीं, नहीं आप ही जीते आप ही जीतेंगे फाइनल समझ हाँ हाँ जीतेंगे क्यों नहीं जीतेंगे हाँ आप उस खुशी में हो कि जीत आपकी होगी और दीदी एक है ना बहन है वो आपसे बहुत समय से मुझे कहती है कि मुझे दीदी को कहना है श्रुति बहन आपको शेयर करना है ना बोलो नाली बहन एक तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है मैंने जब सुना कि आप आ रही हैं तो मैं वैशाली बहन को बोल रही थी मैं ज्ञान में आई करीब साल से थोड़ा ज्यादा हुआ होगा और ऐसे आई कि मेरी मेरी मदर ने मुझे बताया उसके बारे में तो मुझे बहुत उसी समय जैसे आपका ही लफ्ज यूज करूंगी प्यास हो हुई थी कि बस मुझे तो मधुबन जाना है तो उस समय मम्मी ने समझाया कि ऐसे नहीं जा सकती क्योंकि वो मधुबन से होकर आई थी तभी बोली पहले कोर्स करना पड़ेगा और मुरली सुननी है अब कोर्स उस समय ऑफर नहीं हो रहा था मगर यूट्यूब में आपकी मुरली के वीडियोज आने देखने लगी उस समय कुछ समझती नहीं समझ नहीं आ रहा था कोर्स स्टार्ट फिर धीरे से हुआ मगर कोर्स स्टार्ट होने से पहले ही रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले आपके वीडियो सुनती थी और सच कह रही हूँ कुछ समझ में नहीं आता था मगर सिर्फ इसलिए सुनती थी क्योंकि आप जिस तरीके से मुस्कुरा कर ओम शांति कहती थी मेरा दिल भर जाता था उस समय समझ में नहीं आया बट मैं दिन नहीं शुरुआत कर सकती थी घर से नहीं निकल सकती थी आपका वीडियो देखे बिना अब खैर समझ में आया कि वो तो मुरली की खींच थी मगर उस समय भी जब आप मैं आपको बता नहीं सकती कि आप मुस्कुरा के वो ओम शांति बोले मुझे लगा लगे बस अब दिन अच्छा जाएगा अब मैं और मुझे तो कोई यू नो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह नहीं मुझे तो वैसी शांति वैसा वैसा स्वर चाहिए लाइफ में और आज तो आपसे इस दिवस मिलकर तो ऐसा लग रहा है कि महीने भर की तपस्या नहीं शायद साल भर की तपस्या का मिला है मुझे I'm so glad आपसे आज मिलना हुआ थैंक यू श्रुति नाम है ना हाँ हाँ श्रुति श्रुति आपने तो बहुत मिल की बात बताकर कितना बाबा को आप प्यार करती हो ये मैंने देखा ये तो निमित्त मात्र बाबा ने जो आपको मेरे लिए मेरा थोड़ा सा आकर्षण कर दिया लेकिन इसके पीछे बाबा को कितना प्यार करता है ये मैं कह रही हूँ बाबा आपको खींचना था अपनी तरफ तो बाबा कैसे खींचता कोई सोर्स तो चाहिए ना तो बाप ने मुझे निमित्त बनाया तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं आपके लिए निमित्त बनी तो ये भी बहुत खुशी की बात है मेरे लिए मेरे खुशी के खाने में आपने खुशियां डाली ऐसे ही सबको खुशियां दे देना बांटती रहना और खुद भूल रहना ऐसे भी बांटने में अपनी खुशी भूल जाओ तो इसीलिए बहुत बहुत थैंक्स थैंक यू दीदी और अभी आप थोड़ा सा योग का अनुभव कराएंगे जी इस तरफ जो बहन है उनका परिचय है ये बहन हो या सुनीला बहन
हेमा बहन, हेमा बहन बोलिए दीदी। हाँ, अच्छा। हाँ दीदी, खुले बाल में, खुलाल में जो बैठे हैं, खुले बाल में बैठे हैं, कमेंट्री का जो वो कर रही है, नीरा की बात कर रही है, ट्रांसलेशन कर रही है, ट्रांसलेशन कर रही है, उसका अनुभव, उसका उसका उनका परिचय। देखो नीरा बहन, बाबा कहते हैं ना कि हीरा जो होता है वो चमकता है। तो देखो दीदी ने खुद आपको पर, दीदी क्या होता है कि जो आत्माएं ट्रांसलेशन करती है ना, वो बोल नहीं पाती है, मतलब they cannot speak to you। हाँ वो बराबर है, परिचय नहीं ना तो आकर्षण होगी ना की चमक की। हाँ हीरे को जब देखे ना तो हीरा चमक है, उसमें से किरणें निकलती है। तो मैंने देखा हेमा बहन किरणें निकल रही है। हेमा बहन आपसे नीरा बहन आपके चेहरे से किरणें निकल रही थी, तो इसीलिए मैं ये जानने को उत्सुक थी कि आप कौन है, आपका नाम क्या है। दीदी वो उन्होंने भी अभी मार्च में मई मंथ से जब हम लोगों ने गुजराती में कोर्स किया था, तो काफी आत्माएं इनमें से जो है वो गुजराती कोर्स से निकली हुई है, तो इनमें से ये भी है। और अच्छा, अभी तो इतने ही समय में इतनी बाबा की सेवाएं देती है, अभी 8-9 महीने ही हुए हैं और देखो बाबा की कितनी सेवाओं में भी वो तत्पर है, और बहुत बहुत रुचि से करती है, परमा बरदारी से करती है और बहुत पुरुषार्थ करती है आत्मा, तो आपने सच पहचाना। देखो हम जब 64-65 वर्ष पहले साइंस केंद्र पर प्रथम बार स्टूडेंट बन के गए, तो फिर बाद में पता चला कि सिर्फ विश्वविद्यालय के अंदर 2-3 परिवार ही गुजराती थे, टोटल विश्वविद्यालय के अंदर। तो हमको बड़ी खुशी होती थी कि विश्वविद्यालय में गुजराती हैं और वो हम लोग के परिवार वाले हैं, तो बाबा को गुजराती बहुत अच्छे लगते थे। सांभळ्यु बधा गुजराती भाई बहनों, बाबा ने गुजराती बहुज गमता, एटला में गमता, बाबा कहता कि गुजरातीओ बहु सरल स्वभावना, गुजरातीओ बहु सरस शाकाहारी सात्विक, कोई नी साथे झगड़ो ना करे, बहु शांतप्रिय। तो बाबा आ बधा गुणों ने लीधे गुजरातीओ ने बहु पसंद करता था। तो मारी घणी वातो गुजरात नी तमे जे मारो ત્રીજો એપિસોડ યુટ્યુબ પર જોશો યાદેનો, તો એમાં મેં ગુજરાત વિશે ઘણું કહ્યું છે, તમને સારવા મળે। તો દીદી એક વખત ગુજરાતીમાં ક્લાસ કરાવવા આવશો? જરૂર। ઓ યે લોટરી। તો સુનીલા બહેન કો ભી હમ બહોત બહોત ધન્યવાદ કરતે હૈ, મુખ્ય તો સુનીલા બહેન જી કે થ્રુ હી હમારા કોઓર્ડિનેશન હુઆ હૈ। तो हम सभी परिवार वाले सुनीला बहन जी को थैंक यू कहते हैं, उन्हों जैसे जैसे। और साथ में शायद और भी एक बेन, कोई बीजा बेन भी छे ने तुम्हारी साथ है? तो आई थिंक सो, मारी से मारू ध्यान रखे छे विश बेन। हाँ बीजा एक वैशाली बेन छे, वैशाली बेन छे। अच्छा तुम्हारे पास अभी वैशाली बेन छे? हाँ तमे एक वैशाली राखी बैठा तो मने ईर्ष्या थई कि मैं वैशाली की तो हूं ना राखू। अच्छा थैंक यू वैशाली बेन, आप बधुं काम करे छे आ टेक्नोलॉजी ने दाम हमारे कंप्यूटर पर और टेक्नोलॉजी हमारी परी छे, आ बहु लाडली छे, बहु शांति प्रिय ने गुणवान એવી જ વયાલ પણ। અચ્છા અભી મેં છૂટલું યોગ કરે, મેડિટેશન છેલ્લું મેડિટેશન, હા મેડિટેશન કરકે ઓર મેં છૂટી લેગી। હા હા બેન ચોક્કસ, ઓર હે ના ફિર શાયદ સુનીલા બહેન કે પાસ બહેન જી બહેન કા એક વિડિયો ભી હે, તો વો વિડિયો શેર કરેંગે, તો દીદી કો હમ છૂટી દેંગે
और दीदी को नाश्ता का टाइम भी हो गया है, तो दीदी को पहले छुट्टी ऐसे ही दे देते हैं, उसके पहले हम थैंक यू बहन, आपने हमारी 18 जनवरी सफल कर दी और उसके लिए आपका बहुत 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 थैंक यू। थैंक्स बाको, जिसने हमको ऐसा बनाया और आपको मिला है। की दूरी परंतु कोई भी जितने दूर उतने ही अच्छी है। ओम शांति, ओम शांति। सुनीला बहन, आप वीडियो शेयर करेंगे दीदी तो शायद। जी जी करती हूँ। हाँ जी, थैंक यू। इस धारावाहिक के द्वारा हम आपको उस सुनहरे दौर के सफर में ले जाना चाहते हैं कि जब संचार के इतने सारे माध्यम नहीं थे, यदि था तो बस केवल लाल अक्षरों की एक दुनिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं लाल अक्षरों के उन पत्रों की कि जिनमें ढेर सारा प्यार, स्नेह, शिक्षाएं एवं यादें छिपी हुई हैं। तो आइए आपको उन यादों की दुनिया में ले चलते हैं। शुरू करते हैं यादों का सफर। यादें छियासठ। हेलो नलिनी, बाबा कहे कि अहमदाबाद में सेंटर लिया है, रमेश भाई बतावेंगे और वहां गुजराती भाषा वाली नलिनी जैसी बेटी की थोड़े रोज दरकार है। गुजराती बाबा को बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि गुजरातियों के प्रति बाबा का ये एक अपना निजी अनुभव था कि वो बड़े सात्विक होते हैं, सरल होते हैं और शांत प्रकृति के होते हैं और शाकाहारी भी होते हैं, इसलिए बाबा को हमेशा ही गुजराती बहुत अच्छे लगते थे। तो गुजरात में सेवा करने के लिए बाबा सदैव हम बच्चों से कभी ना कभी जिक्र किया करते। और राजस्थान माउंट आबू, जहाँ अभी मुख्यालय है, उसके समीप गुजरात ही है, तो इसीलिए बाबा को अहमदाबाद के लिए सदैव ये चलता रहा कि अहमदाबाद में सेवा केंद्र होना चाहिए। तो इसीलिए हम बच्चों को बाबा ने तैयार किया। आखिर अहमदाबाद में प्रदर्शनी लगाई गई और प्रदर्शनी में जो भी गुजराती भाई बहने थे तो उसमें मुख्य तो हम दो तीन परिवार ही थे। पहला परिवार रमेश भाई, उषा बहन, शांता माता का परिवार। दूसरा परिवार काकू भाई, विजय बहन और मैं, हम लोगों का परिवार। गुजराती बहनों की वहाँ आवश्यकता बाबा ने समझी क्योंकि उनको गुजराती में बताएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, तो इसीलिए बाबा को मेरा तो अच्छा लगता ही था, तो इसीलिए बाबा ने मुझे लिखा कि तेरे जैसी बच्ची वहाँ जाए तो सेवा कुछ ज़्यादा सर्व के सहयोग से
हो जाती है, ऐसे हो जाए तो मुझे लिखा कि तुम जाओ वहां पर। जैसे अपना सेंटर जमाया है वैसे अहमदाबाद को भी खड़ा करो। बाबा ने अहमदाबाद में उनको भेजा, फिर मुझे वहां कुछ समय रुकना भी पड़ा। बाबा ने कहा आप वहां रुक जाओ, और जैसे क्लास घाटकोपर में जमाया वैसे आप वहां के सेवा केंद्र का क्लास भी जमा करके आओ। तो मैं रुकी, बाकी सभी चले गए, तो मैं जब वहां रुकी तो करीब 80-90 भाई बहनों का क्लास एक मास में तैयार हो गया। फिर बाबा ने मुझे जब डायरेक्शन दिया तो मैं वापस बॉम्बे में आ गई। तो उस समय कोई मेरी परिस्थिति या मेरे संजोग ऐसे नहीं थे, क्योंकि लौकिक पिताजी शायद तभी ज्ञान में नहीं थे, इसलिए मैं इतना समय निकाल के वहां पर निमित्त बन करके बैठूं ये संभव नहीं था, शक्य नहीं था। तो इसीलिए बाबा को मैंने फिर सारी बातें लिखी थी। तो ये बाबा की एक उम्मीद थी कि मैं गुजरात में सेवा केंद्र संभालूं। फिर जब संख्या वहां जम गई और सेवा केंद्र के लिए जगह भी ली गई, तो जब सेवा केंद्र के लिए जगह भी ली गई तब मैं तो टेम्पररी गई थी वहां पर, अब वहां सेवा केंद्र को पीछे कौन संभाले, कौन निमित्त बने, तो फिर वही बात कि गुजराती बहन ही चाहिए। तो इसीलिए फिर बाबा का ध्यान सरला बहन के ऊपर गया, तो बाबा ने कहा कि सरला को वहां भेजते हैं। बाबा आज सरला को पुणे भी लिख रहे हैं, वो भी साथी होंगी, और रतन मोहिनी को भी लिखा है, बताओ जाओगी? पूना में सरला बहन जो थी वो उस समय पूना में जानकी दादी जी के पास रहती थी, तो बाबा ने कहा मैं सरला को भी लिखता हूं, तो वो भी अहमदाबाद में आए। फिर बाबा को याद आया कि रतन मोहिनी दादी, आदरणीय रतन मोहिनी दादी, वो भी बॉम्बे से वहां जा सकती है, तो इसीलिए बाबा ने कहा कि उनको भी मैं लिखता हूँ, रतन मोहिनी दादी को, कि आप जाओगी, जा सकती हो, क्योंकि उनके ऊपर अपनी लौकिक माँ की जिम्मेवारी थी। तो बाबा ने फिर सरला बहन को भी लिखा और फिर रतन मोहिनी दादी को भी पूछा, फिर उन्होंने भी हाँ करी और फिर वो लोग भी अहमदाबाद में आए। ऐसे पहले एक ऐसा सिस्टम हुआ करता था बाबा के दिनों में, संगठन एक बहुत आधार माना जाता था सेवा का, और संगठित रूप में सभी सेवा करते थे। तो बाबा जो भी सेवा केंद्र होते थे सभी को चिट्ठी लिखते थे कि कोई गुजराती है तो उनको अहमदाबाद में सेवा के लिए, प्रदर्शनी के लिए भेज दो। तो चारों तरफ से सेवाधारी आ जाते थे, टीचर्स बहन भी आ जाती थी। सेंटर को सजाओ भी, तेरे जैसा और दूसरा ध्यान में नहीं, साथी सरला को भी कर सकती हो, याद प्यार सभी को देना। हम एक ही सेवा केंद्र पर जाते थे, सरला बहन का परिवार, उनके माता पिता, उनके दो भाई, दोनों बहनें, सभी वहां सायन सेवा केंद्र पर आते थे जहां ब्रिजेंद्रा दादी रहती थी, और हम भी पूरे परिवार के साथ सायन सेवा केंद्र पर ही जाते थे। इसीलिए हम सभी बहुत अच्छी तरह से एक दो को पहचानते भी थे और एक सखी के रूप में ही थे। बाबा मुझे बार बार अलग अलग स्थानों पर भेजते रहते थे, और इसीलिए मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं कहीं जाकर के
और स्थान को संभालूं। फिर मैंने कभी इस प्रकार से सोचा भी नहीं, और ड्रामा अनुसार मुझे कंटिन्यू बाबा ने कहीं ना कहीं अन्य सेवा केंद्र, जहां जहां नए नए सेवा केंद्र खुलते थे वहां भेजते थे, कहां एक मास, कहां दो मास, कहां 15 दिन, ऐसे मेरा आना जाना होता ही रहता था। ये था अब तक का यादों का सफर। फिर मिलेंगे अगले सफर में। ओम शांति।